वो फ्लिपकार्ट पे लीटर का 5,000 का बिल ऑन पे है सर। एक्चुअली मैंने मेरा एक दोस्त के लिए वो फोन ऑर्डर करवाया था, लेकिन वो चला गया, बाहर चला गया, फोन वो रिसीव नहीं कर रहा है। मेरे नाम पे भी ले तो क्या करूँ, मुझे बार बार फोन आता है। वही है कि नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। हाँ तो सिविल स्कोर डाउन होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं स्टूडेंट लोग हूँ सर, वो घर तक पहुंच जाएगा तो दिक्कत ना जाएगा। आपका चैनल में बहुत वीडियो देखा मैंने, सारे वीडियो, लगभग सारे वीडियो देख चुका हूँ, फिर भी आपसे एक बार बात हो जाए तो अच्छा होता है, इसलिए फोन कर रहा। वो दोस्त मेरा फोन नहीं रिसीव कर रहा है सर, वो बाहर चला गया है। मेरा एड्रेस पे, घर के एड्रेस में मेरा नाम नेम पे बिल हो चुके थे, इसलिए डर लगता है। कुछ होगा नहीं ना सर? हाँ ना ना, कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, समझ गए। हाँ, उनका देखिए, उनका काम ही होता है, समझ गए। उनका काम होता है कि मतलब कि ऐसा ही काम देखिए क्या कर रहा है, फ्लिपकार्ट पे लेटर ना क्या कर रहा है कि अपने मतलब कि हैक करवा दे रहा है, अकाउंट से पैसा निकलवा ले रहा है, पे लेटर यूज करवा दे रहा है, उसके बाद बोल रहा है काफी पैसा लिए है। हाँ हाँ, एक का 22,000 निकलवा दिया, एक का कुछ और कर दिया। अकाउंट से मेरा पैसा नहीं निकला है, नहीं कट पा कटेगा तो? हाँ ना ना, अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा जब तक आप इधर से मतलब कि ओके नहीं कीजिएगा तो नहीं कटेगा आपके अकाउंट से पैसा। सर ठीक। ना, कोई टेंशन नहीं होगी। नहीं भर पाऊंगा तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, वो अर्जेंट घर पे नहीं आएगा ना? ना ना, घर पर नहीं आएगा। मैंने आपका वीडियो सारे देखे, काफी जानकारी पाया हूँ, फिर भी आपसे एक बार बात हो जाए तो अच्छा हो, इसलिए फोन कर रहा। सर मेरा फोन, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा पॉकेट मनी मंथली लगभग 500 से 600 रुपये होता है, 5,000 का बिल है तो मैं कहाँ से लाऊँ? मैं उसको फोन कर रहा हूँ, उसको घर लोग भी बताया, फिर भी वो रिसीव नहीं करता। यही होता है यही होता है। एक का क्या हुआ था ना दोस्त, क्या हुआ था कि दिल्ली में काम करते थे, समझ गए। हाँ सर, दो हाँ लोग थे और एक ही कमरे में सोते थे। आप दोस्त थे तो एक ही कमरे में सोगा ही, घर से गया है काम करने चाहे पढ़ने गया है, बात एक नहीं, रूम लेकर रह रहा है। तो क्या किया, उसी के अकाउंट से मतलब कि मान लीजिए एम पॉकेट है, तो मतलब कि हमारे कैसे लॉग इन कर लिया, नंबर से लॉग इन करके नंबर से उनके आधार मतलब कि अपना ही मतलब कि डाला था, पैन कार्ड जो भी नंबर अपना डाला था, उनके नंबर से पैसा ले लिया। उसके बाद एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दिया तो मार उस उन पर फोन आता है, उनको हरासमेंट किया जाता है। सिविल तो उसको और उसका खराब हो रहा होगा, लेकिन कॉल मैसेज जो झेल रहे हैं ये झेल रहे हैं यही किया था, समझ गए। हाँ एक का क्या हुआ था कि मतलब कि एक का आईडी से ले लिया था, उन्हीं का आईडी से ले लिया था और पैसा देने का नाम नहीं ले रहा है, कॉल करने पर कॉल नहीं उठा रहा है, गांव से मतलब कि दूर का है, मतलब कि बता रहे थे यही सब, तो यही होता है, समझ गए। अपने आईडी पर किसी को लोन नहीं देना चाहिए, बहुत बुरे फंसिएगा। वही दिक्कत हो चुकी है मेरे को। अब घर का पास का दोस्त है तो बात अलग है, समझ गए। हाँ, अब दूर दराज का दोस्त है, अब यहाँ का है या उधर का दोस्त है, तो कैसे विश्वास किसी पर आप कर लीजिएगा। दोस्ती एक लिमिट होती है, देखिए पैसा में कभी भी दोस्ती नहीं होती है, समझ गया ना। हाँ पैसा अपना जगह है, दोस्ती अपना जगह है, पैसा में दोस्ती कभी नहीं लाया। मान लीजिए पैसा में दोस्ती लाइएगा तो बिजनेस खोलकर हम बैठ जाएगा तो सारा चीज तो उधार में लेकर चला जाएगा भाई हाँ सर, बात है कि नहीं। दिक्कत। हाँ सर सब हाँ, तो ठीक। इसीलिए पैसा में दोस्ती नहीं है, तो अब चलिए अब क्या कीजिएगा, आपका दोस्ती से विश्वास भी उठ गया होगा। हाँ, हाँ दोस्ती से विश्वास तो बहुत ऐसे टूटा ही उठ जाएगा। ऐसा ही लोग के कारण मतलब कि और सब भी बदनाम हो जाते हैं। हाँ सर, तो अब क्या करो सर, आप ही बताइए। आप नहीं दीजिएगा, आपका आईडी से लोन है तो मतलब कि आपका सिविल स्कोर तो खराब होगा, आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट भी बंद हो जाएगा। और कुछ हो नहीं वाला सर? कुछ नहीं होगा, और फोन कॉल आएंगे आप पर, बस हाँ, वही से जैसे दिक्कत हो होता है, देखिए आपको जैसे दिक्कत होगा, कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, आपको
ब्लैकमेलिंग हरासमेंट मतलब कि मिलेगी, समझ गए, भुगतना आपको पड़ेगा। तो यही होगा, कुछ और होगा, लीगल एक्शन कुछ होगा नहीं, बस यही होता रहेगा आपके साथ। अच्छा हाँ, आपने बताया था वो कॉल और एसएमएस का रिस्पांस नहीं करने के लिए, मैं रिस्पांस नहीं कर रहा हूँ। बस यही करते रहिए, और 6 7 8 9 महीना होगा तो कॉल आना भी कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। अब हाँ सर, हाँ हो गया तो अब क्या कीजिएगा? अब किसी को पता नहीं ना कि वो ऐसा निकलेगा। वो पता रहता तो मतलब कि कोई फंसता आज तक दुनिया में। हाँ सर, वैसे ही होता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक। तो देखें, यहाँ पर कॉल पर सारा बात यहाँ पर हुई, कुछ होता नहीं है, कोई टेंशन यहाँ पर होता नहीं है। तो बात बिचारे यहाँ पर सुने तो आप लोगों को पता यहाँ पर चल गया होगा। अब चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं, पूरा कंप्लीट बातों को सुनिए, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो और व्हाट्सएप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस पर रिकवरी एजेंट का वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग सारा कुछ रहती है, और कोई इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है तो वो डाल देते हैं, कोई लगता है कि मतलब कि अप टू डेट है उसी टाइम तो डाल देते हैं। हाँ हेलो। भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भैया, आ रही है। बोलिए बोलिए। अरे ये कह रहे थे किस ऐप से ले भैया, थोड़ा बताइएगा, बहुत इमरजेंसी में फंस गए थे थोड़ा सा, कौन से ऐप से लेना सही रहेगा। अच्छा, तो देखिए, एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन लीजिएगा तो नहीं दीजिएगा तो हरासमेंट तो करेगा। नहीं, पे तो करेंगे, मैं ऐसा नहीं कि पे नहीं करेंगे, लेकिन हमको चाहिए था इमरजेंसी में भाई, मतलब 12-15 हज़ार के आसपास। तो 12 15 के हमने ट्राई आसपास में किए, ये ट्रू बैलेंस यूज कीजिए, ट्रू बैलेंस है नहीं ये। ट्राई किए उसमें, ट्रू बैलेंस में ट्राई किए, लगभग सारे ट्राई कर रहे हैं, किसी में एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, सब में किसी में रिजेक्ट हो रहा है, किसी में बहुत लंबा टाइम अच्छा, बिता तो रहे हैं, किसी पहले में से कुछ आपका नहीं। लोन था क्या? नहीं पहले कोई था, पहले तो कोई नहीं था, धनी का 2-3 साल पहले का था, तो क्लियर कर चुके हैं पूरा, और नहीं, धानी तो ऐसा ही नहीं फ्रॉड था, वो तो बंद हो गया। तो वो तो 2-3 साल पहले की बात है, 2020 में ही तो क्लोज कर दिया था पूरा लेवे के। नहीं तो ऐसा भी हो रहा है ना, ऐसा भी हो रहा है, नहीं दे रहा है ना, देखिए नहीं भी दे रहा है ना, एक का दो दो लोग हमारे तरफ का, जबकि सरकारी टीचर है, समझ गए हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो वो ट्राई कर कर थक गए, जिंदगी में कभी लोन नहीं लिया तो उनका नहीं मिला। हाँ तो वही वही आपको रहता ना कि थोड़ा कहीं से लोन लिए रहते हैं और पैसा दे देते ना तो सब आपको दे देता, जैसे कैसे रहता है कि कोई गाड़ी वाड़ी लोन पर लिए हैं, चाहे पेटीएम कपर पोस्टपेड का लिए थे, तो उसका पे कर चुके हैं, भी नहीं मिल रहा है ना, कपर दो बार पेटीएम पोस्टपेड का लेके पे कर चुके हैं, भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है क्या? नवी अभी से, अगर नवी सारे एप्लीकेशन से देख लिए, एम पॉकेट किस रिंग। हाँ, नवी पे देखे, फाइव पे देखे, मनी व्यू और जो भी जितना है सब पे ट्राई किए, किसी पे हम वही, मुझे बस ज्यादा ज्यादा अगर मुझे 10-12 हज़ार मिल जाए तो एक महीने में भी वापस कर देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन वही इमरजेंसी में इस समय थोड़ा सा, और किसी ऐप में मैं अच्छा चाहिएगा था, अच्छा किसी में किस नहीं मिली बात। तरीके सबसे ट्राई कर लिए है ना, एक भी एप्लीकेशन छोड़े नहीं। हाँ मान के चलिए, यूट्यूब जितना मतलब देखते हैं, जो एप्लीकेशन वगैरह ट्राई किए हैं, किसी में अप्रूव भी नहीं हुआ। तो नहीं दे रहा है सब तो। नहीं दे रहा है सब। वही अलग एकदम इमरजेंसी थी, और क्या बताएं, कल 15 है और 15 तक मुझे चाहिए था वैसा ही, क्या बताएं, को इतना जल्दी कोई, अब एक दिन बाद दूसरा भी कोई अदर ट्राई करते हैं तो एक दिन में कोई अप्रूव नहीं करेगा, अप्रूव में भी कई टाइम लगाएगा, और मतलब मुझे वो मिल जाए तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा 10-20 दिन के अंदर तो मैं वापस कर दूंगा, ऐसे मिल जाए अगर, तो पैसा तो आ ही जाता, लेकिन अब इसमें थोड़ा एकदम फंस गए थे इमरजेंसी में। कुछ बताइए, कुछ आपके पास कुछ तरीका हो जिससे मिल जाए। अब देखिए, फ्रॉड एप्लीकेशन भी देगा तो 2022 यही सब तो देगा। 2022 में क्या होने वाला है, दरअसल बस एक अलॉटमेंट लेटर की बात थी ना, डाउनलोड बिल्कुल बिल्कुल। करना था, दो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना था, थोड़ी बस उसी में फंसे हुए थे। 2022 में क्या होगा, उससे थोड़े कुछ होगा। अच्छा, तो देखते हैं एप्लीकेशन कोई होता है तो आपको मैसेज कर देते हैं, समझ गए। मैं डिटेल भी अपनी सारी सही डालता हूँ, ये भी नहीं गलत डालता हूँ, उसमें पूछता है सैलरी हो कि क्या हो, तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट डाल भी देते हैं, स्टूडेंट ऐसा भी नहीं कोई डिटेल गलत डालते हैं, डिटेल भी सारी सही भरते हैं, मतलब भाई स्टूडेंट है और पेरेंटेड हो, मेरा घर जो पेरेंट्स का हुआ है 20 साल से रह रहा है, सब कुछ सही डालते हैं, फिर भी हो तो बस सही सब था। अच्छा, देखते हैं जो होगा तो आपको बता देंगे, समझ गए।
ठीक है भैया, देखिए उसको थोड़ा सा, बहुत जरूरी था एकदम, क्या बताएं। ठीक है थोड़ा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है, धन्यवाद भैया। चलिए दोस्तों बात विचार होगी। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ हाँ बोलिए, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपको? दोस्तों यहाँ पर आवाज यहाँ पर नहीं आ रही है, तो चलिए यहाँ पर दोबारा ट्राई करते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल को भी, ट्विटर पर जो एप्लीकेशन मतलब ऐसे कर रहे हैं, ट्विटर पर भी आप लोग मतलब कि पोस्ट कीजिए, शेयर कीजिए और हैशटैग लगाइए कि एप्लीकेशन ये है, हमको भी टैग कर दीजिएगा। ट्विटर पर भी काम कीजिए, वो सब फ्रॉड एप्लीकेशन अदब, कौन कौन सा फ्रॉड एप्लीकेशन आपके साथ क्या कर रहे हैं, ट्विटर पर जरूर आप लोग पोस्ट करने का काम कीजिए। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आप बोलिए सुन बोलिए, पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं, बोलिए। जो मैंने पहले थे आपको बताया था 2-3 दिन पहले, जो मेरा फ्लिपकार्ट से मैंने जो सामान खरीदा था पहले पहले जरिए से, पहले तो मैंने एक होम थिएटर मंगवाया था, एफ एन डी का होम थिएटर मंगवाया। मैंने देखा मार्केट प्राइस उसका बहुत कम है, इसीलिए मैंने उसको कैंसिल करा था। फिर मैंने फिलिप्स का एक होम थिएटर मंगवाया, फिलिप्स का होम थिएटर मंगवाया, वो भी डिफेक्टिव निकला। फिर मैंने बहुत बार फोन किया कस्टमर केयर को कि मेरा ये सामान रिप्लेस करवा दो। वो लोग इधर उधर से, इधर पहले बोलते हैं उधर फोन करो, इधर फोन करो, वो ऐसा नंबर देते हैं जहाँ फोन ही नहीं लगता। वो तो गया, तो मैंने सोचा जो मंगवाया मंगवाया, इसको छोड़ो, अभी मैं इसको कहीं कुछ जुगाड़ लगा के इसको बेच के मैं कुछ और अलग ले लूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो पे लेटर का अकाउंट था उस लोगों ने बंद कर दिया, कुछ रीजन नहीं। मैं कुछ सामान नहीं खरीद सकता पे लेटर से, कुछ भी जो भी सामान ऑर्डर करना चाहो नहीं होता है तो आपका बाकी था कुछ है? ना, बाकी कुछ भी नहीं था, ड्यू से कुछ भी बाकी नहीं था। मैं हर महीने पूरा क्लियर पैसा देता था। नहीं तो पे लेटर अब बंद कर रहा है, समझ गए हैं? हाँ सबका अब धीरे धीरे पे लेटर बंद कर रहा है। हाँ, मेरे को टोटल 70,000 पैसा दीजिए चाहे मत दीजिए, ये कुछ ना कुछ एक बहाना बनाकर मतलब पे लेटर बंद कर रहा है। हाँ, बंद ही कर रहा है। हाँ ये काफी लोगों के साथ हो रही है। हाँ अब देखिए क्या कहलाता है, मतलब कि उस टाइम मतलब बिग बिलियन डे का सेल चल रहा था हाँ उस, हाँ उस समय लोग सोचे कि भाई पे लेटर से कुछ हम मंगा ले, तो देख रहे कि पे लेटर उनका बंद हो गया है। हाँ 8,000 एक भी रुपया बाकी नहीं था, तो यही कर रहा है सब, समझ गया ना, पे लेटर अब सबका बंद कर रहा है। हाँ बाकी तो 1 रुपये भी बाकी नहीं था। मैं अभी कम से कम 1 साल से मैं फ्लिपकार्ट में यूज कर रखा था, इसीलिए मेरे को इतना ज्यादा पैसा भी मिला था। बाजार करो, शॉपिंग करो कुछ, मगर कुछ रीजन नहीं, अचानक बंद कर दिया। एक तो दिवाली का समय था, मेरे को घर में, मैंने सोचा था दो भाई है मेरे, मैं मोबाइल में गिफ्ट दे दूंगा कम से कम 6-7 हज़ार का, कुछ दाम भी नहीं इतना ज्यादा। वो भी नहीं हुआ तो मुझे और गुस्सा आ गया। एक तो मेरे को फ्लिपकार्ट भेज दिया, फिलिप्स जो वो भी साला जो खराब सामान, मैं गुस्से आकर बोला जैसे 8 साल इस बार मैं पैसा ही नहीं दूंगा, देखते हैं वो क्या करता है इसको। यही होगा कि कॉल मैसेज करेगा, आपको तंग करेगा, यही काम करेगा और क्या करेगा। मैं सब ब्लॉक मेरे को कोई कॉल ही नहीं कर सकता, उस लोग सिर्फ मैसेज करते रहते हैं कि आपका ड्यू इतना हो गया, आपका ड्यू इतना हो गया। टोटल मेरे को देना था 7,000, कितना 7,200 इस महीने पेमेंट करना था शायद मेरा। अभी ड्यू लगा के 7,700 कितना बना दिया। मैंने बोला एक मैसेज, मैंने भी ईमेल किया, तुम लोग चाहे मेरा 7,000 को 70 लाख बना दो, मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। मैसेज करते रहो कि जितना करना है करते रहो। मुझे यही डर लगता है कि कहीं अचानक घर में आ जाए और बोले कि हाय तुम लोगों ने इतना पैसा खा दिया, वही जो है और कुछ नहीं। ना ना आज तक किसी घर पर नहीं आया, समझ गए? हाँ फ्लिपकार्ट पे लेटर का यही मतलब हमको आज तक सुनने के लिए मिला है, किसी के घर पर आज तक आया नहीं है। एक तो बंद करके मुझे बहुत घुमाया। हाँ मैंने बोल रहा तो आईडीएफसी को फोन करो,
आईडीएफसी वालों ने तुम्हारा बंद किया है। मैंने आईडीएफसी भी फोन फोन को कॉल दिया, कम से कम 3-4 बार फोन किया कल आईडीएफसी के वालों को, वो लोग बोल रहे थे मेरे हम लोगों की तरफ से कुछ भी बंद नहीं किया हुआ है, आपको बंद किया है तो फ्लिपकार्ट वालों ने बंद किया। तो मेरा तो कोई भी रीजन भी नहीं है, मैं तो हर महीने पैसा पूरा क्लियर देता रहता हूँ, फिर ऐसा क्यों बंद किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हम लोगों को पता नहीं, ऐसा बोल रहे हैं आईडीएफसी वाले। नहीं तो धीरे धीरे सबका बंद कर रहा है, समझ गए। तो भैया दिवाली का तो दिवाली पे चले गया, खत्म ही हो गया। दिवाली के बहुत सारे शुभकामनाएं, फोन ही नहीं लगा पहले, आपसे बात ही नहीं हो पहले, काम किए थे फोन किए थे आप। अब नहीं, अब देखिए हमारा भी कुछ काम होता है ना, बताइए। हाँ पता है भैया, मेरा आपका मोबाइल में देखता रहता हूँ वीडियो, कल ही एक वीडियो मैंने देखा था आपका। अब देखिए क्या होता है ना कि हम घर पर रहते हैं ना, तो 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में हम बात करते रहते हैं, समझ गए। हाँ हाँ नहीं रहते हैं तो अब क्या कीजिएगा। अब उस टाइम ऐसा था उस सप्ताह में कि 5 बजे जा रहे थे सुबह में और आ रहे थे उधर से रात को 9 बजे। तो अब उस समय में हम कहाँ से हम किसी का मैसेज हम देखेंगे, इंस्टाग्राम खोलने का टाइम है अब दिन दिन भर मतलब कि उधर। तो यही है, समझ गए, और कुछ होगा नहीं, आप पर कॉल मैसेज होगा और बस यही होता रहेगा आप पर। हाँ। और सिविल स्कोर आपका डाउन होगा, और देखिए कुछ दिन बाद आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट बंद कर देगा हमेशा के लिए। ये जो सिविल मेरा जो खराब हो जाएगा, अभी तो पूरा डाउन चला जाएगा सिविल, इसको फिर से रिकवरी के लिए क्या करना होगा? 3-3 महीने पर सिविल अप टू डेट होता रहता है इनकम के अनुसार से। हाँ हाँ 3-3 महीने अपडेट रहता है। हाँ हाँ ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। तो पे लेटर के बारे में था, तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट मतलब कि कन्वर्सेशन सुने तो आपको पता है यहाँ पर चल गया होगा, तो इसीलिए बोलते हैं कि पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी कंप्लीट वीडियो आप सबको मतलब कि देखने के लिए मिले तो आप सबको डाउट यहाँ पर ना हो पाए। तो चलिए यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है, तो यहाँ पर बात विचार यहाँ पर देखते हैं, कॉल लगता है कॉल पर बात हो सकती है, चलिए कॉल यहाँ पर लगाते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए और फ्रॉड एप्लीकेशन के बारे में और जानकारी लेनी है तो हम प्लेलिस्ट हम बना कर रखे हैं, प्लेलिस्ट जाकर मतलब कि आप देखिएगा चेक कीजिएगा। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भैया हाँ बोलिए बोलिए। हाँ दरअसल मेरे भी एक कोर्ट का नोटिस आया था अभी, मैं उसको देख के सोचा कि कॉल कर लूंगा, बोल के ना ना वो फेक है, फ्रॉड है, उसका टेंशन कुछ नहीं है। अभी तो 1 महीना कंप्लीट हो गया है मेरा, फिर ड्यू डेट के लिए कॉल कर रहे थे मेरे को ना, दूसरा महीना चल रहा है। नहीं तो उसको इग्नोर कीजिए, कोई टेंशन लेने वाली पर बात नहीं है। और आपके पास मेरे वाला क्लाइंट वाला कॉल आया था क्या मेरे जैसे भी आया ना? आईफोन के बारे में तो नहीं आया था, नहीं तो आपसे तो पहले तो ये बात विचार तो हो रही थी कि 5,000 लिए हैं लेकिन दिए नहीं है। 5,000 तो मेरा तो बड़ा अमाउंट है ना, तो उससे क्या प्रॉब्लम है, कम हो चाहे बेसी हो, वो तो लोन लोन हो गया ना। तो रिकवरी वाले आते हैं? ना ना रिकवरी वाले नहीं आते हैं घर पर, फ्लिपकार्ट का रिकवरी वाले नहीं आते हैं। तो मेरा तो 65 के है ना, शायद मेरे को लग रहा है आप ही सकते हैं ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे यहाँ पत्थल गाँव जो पड़ता है मेरे नजदीकी 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो मेरा एक दोस्त करता है यहाँ रिकवरी वाला काम। हाँ तो वो बोल रहा था कि वो भी सेम IDFC बैंक में ही करते हैं, तो फिर इसमें फ्लिपकार्ट पेलेटा के बारे में बात किया तो उसमें तो अभी तक कोई ऐसा नहीं आया है कि रिकवरी वाले कोई आए हैं, बाकी जो जिनका चल रहा है लीगली वाला रहता है ना, और लीगली वाला जो रहता है वो अलग रहता है, उनका उनके लिए आते हैं, बाकी मेरा जो वो तो दूसरा वाला है ना। तो हाँ तो वही बोल रहा था मैं, आया तो नहीं है अभी तक, पता नहीं क्यों ना ना आएगा नहीं, समझ गए, उसका टेंशन मत लीजिए, अनसिक्योर लोन है ना, कुछ होगा नहीं। वही टेंशन तो भैया, एक बार आपसे बात हो जाता है ना फिर मैं 1 महीना फुर्सत हो जाता हूँ, मतलब कोई टेंशन नहीं रहता, कॉल वाला तो ऐसे रहने दो।
चलिए तो कोई टेंशन नहीं है, समझ गए। ठीक हाँ ठीक है भैया, मैं देखता हूँ आपका वीडियो इस टाइम पे, है ठीक है, चेक करता रहता हूँ। हाँ कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो डालिएगा, सब चीज डालिएगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है हाँ हम लोग भी देखते रहेंगे, ठीक लगेगा। ठीक है भाई, ठीक चलिए है ठीक है भैया, बात करके अच्छा लगा। ठीक है ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है भाई। बोलिए बोलिए। अरे ये जो पेटीएम पोस्टपेड है, इसका 3-2 महीने हो गए पेमेंट नहीं किया है, तो क्या होगा? एजेंट घर पे आएगा या नहीं? नहीं, पेटीएम पोस्टपेड का एजेंट कभी भी किसी घर पर नहीं आया, समझ गए? अच्छा आज तक इतना बात करने की बात किए लोगों से, ये नहीं बोले कि पेटीएम पोस्ट का पेस्टपेड का मतलब कि आए घर पर, और मतलब कि लीगली एक्शन कुछ होता होता नहीं है, वो ये है कि आपका सिविल स्कोर डाउन करेगा। अच्छा हाँ, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा पेनाल्टी लगा दिया है हमारी, 11,000 रुपए थे, 2,000 रुपए कर दिया है इस। और कॉल बहुत आई मेरे पास, 50-60 कॉल आई है 2 महीने तक, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया सारे नंबर हमने। एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, आरबीआई से तो रजिस्टर्ड नहीं है। आरबीआई से रजिस्टर्ड होती तो एजेंट घर पे आता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका पेमेंट ना ना करे रिपेमेंट, कुछ नहीं कर पाए। ना ना, कुछ नहीं होगा लीगली एक्शन तो, कुछ नहीं होगा क्योंकि अनसिक्योर है, समझ गए? हाँ फ्रॉड कर रही है कंपनियां। हाँ हाँ सिक्योर आता ना तो दिक्कत होता, अनसिक्योर है तो कोई टेंशन नहीं है। ये भी हमने कई लोग से सुना है कि जैसे कि 1 महीने की टाइमिंग होती है, 1 महीने के बाद पेमेंट कर दो, मतलब 1 महीने के अंदर 1 तारीख को बिल जनरेट होता है, उससे पहले कर दो और बिल पेमेंट पूरा कर दोगे तभी तुम्हारे 200 रुपये एक्स्ट्रा 300 रुपये एक्स्ट्रा ले लेता, बिल्कुल ये बिल्कुल सब ये बिल्कुल बता रहे हैं। बिल्कुल, तो ये फ्रॉड कर रही है कंपनी। एकदम फ्रॉड कर रही है। हाँ कुछ नहीं कर पाएगी ये, एजेंट एजेंट कुछ नहीं आता इसका। कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। देखिए आरबीआई से रजिस्टर्ड होती तो आता है एजेंट घर। आरबीआई से रजिस्टर डायरेक्ट बैंक होती है ना, एसबीआई बैंक है, कोटक बैंक है, ये सब लोन ऐसे थोड़ा देता है, सिविल पे थोड़ा लोन देता है। ये सब लोन देता है तो ये मतलब कि आपके घर और आता है तब तो देगा आपको लोन, ऐसे थोड़ा दे दे, ये तो ऐसे ही दे देता है सब। ये तो ऐसे ही दे देगा सब। सही बात है, आपकी वीडियो देखते हैं तो आप बताते रहते हैं ऐसा ना दो कुछ नहीं। आपने दिया है आज तक हम नहीं दिए हैं। कितना मिला था आपको? पेटीएम पोस्टपेड से तो हम नहीं लिए थे, लेकिन और भी एप्लीकेशन है ना तो नहीं दिए हैं। कितना ले चुके हैं लमसम? देखिए, एम पॉकेट से, रिंग से, किस्त से, नभी से, ट्रू बैलेंस से, मनी व्यू से, मोबीक्विक से और ब्रांच से, ये सब से लिए हैं लेकिन आज तक दिए नहीं है, समझ गए? हाँ 2-3 लाख हो गया होगा। बहुत तो आप बता रहे थे बिग बिलियन डे में बहुत लोग ने फोन लिए हैं लोन से। अच्छा लोग पिछले साल, पिछले साल। अब अब इस साल तो कहाँ से लीजिएगा, फ्लिपकार्ट पे लेटर बंद कर रहा है ना। जिनका लोन भी नहीं है, जिनका लोन भी नहीं है तब पर भी पे लेटर बंद कर दे रहा है, तो कहाँ से ले पाएंगे लोग? और वो अकाउंट सस्पेंड कर रहा है, अकाउंट सस्पेंड कर रहा है। और अच्छा ये जो पेटीएम पोस्टपेड है, इसका वो बता रहे थे आपकी पेनाल्टी माफ हो जाएगी और आप पेमेंट कर दीजिए। पेनाल्टी ना ना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, माफ, नहीं माफ होती कुछ है, नहीं कर नहीं पाए। माफ होती है, बाद में मांगने लगेगा। अच्छा हाँ अच्छा ये बताइए, जैसे मेरे फादर हैं, उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है और मोबाइल नंबर अल्टरनेट नंबर मेरा लगा है, तो आधार पे जो नंबर लिंक होता है वो कॉल उनके ऊपर तो नहीं ना ना आती? ना ना, वहां पर कॉल नहीं जाती है। अच्छा, ये पेटीएम पोस्टपेड कॉन्टेक्ट लिस्ट तो हैक नहीं कर पाता है? ना ना, ये सब नहीं कर पाता है। कुछ कर ही नहीं पाएगी, आदित्य बिरला फाइनेंस ने दिया है वो तो पेट्रोल बिल्कुल बिल्कुल लेने। बिल्कुल। और क्या, अब देखिए हमने, हम आपके दोस्त हैं, आपने हमको पैसा दिया, हमने किसी और को दिया, आप हमसे मांगोगे? दोस्त थोड़ी ना मांगोगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना?
सही है, को लो तो बर्बाद कर डालो बिल्कुल। हाँ तो मजे उठाओ, बिल्कुल जहर से बिल्कुल खा लो, बिल्कुल। सिंपल पे भी है, सिंपल पे में तो ऐसे ही मिल जाता है बिना पैन कार्ड आधार कार्ड के। अच्छा सिंपल पे का मतलब जैसे 20 तारीख होती है, अगर मतलब पे ना करो तो पेनाल्टी कितनी लगती है पता है आपको कुछ? आवाज तक किसे लिए नहीं, अब देखिए आज ही ट्राई करेंगे तो आपको बताएंगे। हाँ अच्छा, ये एजेंट एजेंट तो घर पे आता नहीं, आपके यहाँ तक आया एजेंट? ना ना, हमारे घर पर आज तक एजेंट नहीं आए हैं। आप लोग आएंगे गांव वाले से हल्ला करके हम मारेंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका आपके फ्रेंड रेंट सब लिए नोका। आप कहाँ से हो भाई? बिहार से। बिहार से हो तो बिहार वाले तो मार जूते मारेंगे। चलिए ठीक है भाई, ठीक है ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पर बात विचार हो गया, इनको बता दिए क्या करनी है क्या नहीं करनी है। चलिए यहाँ पर कॉल करते हैं, पूरा कंप्लीट बातों को सुनिए, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर तो आपको बता देना चाहता हूँ कि फ्लिपकार्ट पे लेटर का आज तक किसी घर पर रिकवरी एजेंट नहीं आया है। तो यहाँ पर देखिए भैया कुछ हो तो बताइएगा, बहुत ज्यादा वर्सेस सारे पे ट्राई कर चुके, आपको वीडियो देख के रहा। ओके तो आपको बता देना चाहता हूँ कोई टेंशन लेने वाली है पर बात नहीं है, यदि टेंशन मतलब कि लीजिएगा तो और ज्यादा आपको परेशान और ज्यादा आपको हरासमेंट करने का यहाँ पर काम करेगा। तो इसीलिए किसी का भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी ब्लैकमेलर है किसी भी ब्लैकमेलर से आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि मेरा पूरा कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मतलब कि हम क्या वीडियो बनाते हैं क्या नहीं वीडियो बनाते हैं, इसीलिए पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आपको बता देना चाहता हूँ फ्रॉड एप्लीकेशन का आपको रिपेमेंट नहीं करना है, पेटीएम पोस्टपेड के बारे में आप लोग सुन लिए और फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में आप लोग सुन लिए, तो आपका क्या राय है क्या नहीं राय है तो आप कॉमेंट सेक्शन में अपना राय व्यक्त कर सकते हैं, और मतलब कि आपके साथ कौन कौन सा एप्लीकेशन दिक्कत कर रही है वही आकर हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी कुछ टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है, जो भी टेंशन लेने वाली बात है तो कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। देखिए फ्रॉड एप्लीकेशन के चक्कर में काफी लोग फंस जाते हैं और बोलते हैं कि हम भाई सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भाई क्यों सुसाइड आप कर लीजिएगा, यदि आपको विश्वास नहीं होता होगा तो प्ले लिस्ट में हम काफी वीडियो बनाए हैं, और हमारे चैनल का जाइए वहां पर प्ले लिस्ट खोलिए और उसके बाद फ्रॉड एप्लीकेशन या एनबीएफसी के एप्लीकेशन के बारे में वीडियो देखना है वहां पर देख लीजिए, और ब्लैकमेलिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है ब्लैकमेलिंग से रिलेटेड वीडियो आप देख लीजिए, तो सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, तो वहां से जाकर आप देख लीजिए तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन क्या लेना है यहाँ पर। तो अब हमारा कोई भी वीडियो देखते हैं तो आधा घंटा का वीडियो 1 घंटा का वीडियो होता है, रेगुलर हम बात करते रहते हैं, रेगुलर हम बोलते रहते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा मतलब कि हम बात करते हैं और कितना ज्यादा हम बोलते रहते हैं। आप हमारे ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखकर आप लोग मतलब कि बताइएगा कैसा है, कोई भी कट पेस्ट आपको नजर नहीं आया होगा कहीं भी, यहाँ से शुरू होता होगा मतलब कि 1 से शुरू होता होगा तो पूरा 30 मिनट तक मतलब कि चलता है और 1-1 घंटा तक चलता है, 2-2 घंटा तक यहाँ पर चलता है, तो कहीं भी आपको कट पेस्ट नजर नहीं आता होगा, वही होगा कि आप एक वीडियो देखते देखते थक जाइएगा, लेकिन कहीं भी हमारा कट पेस्ट मतलब कि नजर नहीं आएगा। तो जो भी है रिलेटिव और बेस होती है एक ही वीडियो में सारे एप्लीकेशन के बारे में बात विचार हो जाती है, किस से, रिंग से, नबी से, मोनी व्यू से, पेटीएम पोस्ट पेड, फ्रॉड एप्लीकेशन, जो भी है सबसे बात विचार हो जाती है, वही अपने यूट्यूब चैनल पर डालने का काम करते हैं। बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और आप सबको ये चीज बोलना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को एंड में, और जाकर हमारे सोशल अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा, जो भी है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा,
जाकर आप फॉलो कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा और ट्विटर पर भी आप लोग पोस्ट कर दीजिएगा, ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक।